हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम एक ट्रिक डिस्कस करेंगे और उस ट्रिक को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सपोज हमें एक वेव फंक्शन दे दिया गया हो, साई इक्वल्स टू ए साइन क्यूब पाई एक्स बाई ए। यहाँ पे ए हमारा नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आप एक बार इसे सोच लीजिए, ऐसा दे दिया गया है कि साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो हमें साइन क्यूब थीटा को कैसे एक्सपेंड करेंगे, वैसे इसका फॉर्मूला है, पर अगर आप भूल जाओ तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि आप इसको कैसे एक्सपेंड करोगे। साइन क्यूब के बाद मैं आपको साइन टू द पावर 5 का भी एक्सपेंड करके बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, सबसे पहले ये वैलिड होगा सिर्फ ऑड पावर्स ऑफ साइन के लिए, ठीक है, इवन पावर्स के लिए नहीं। तो सपोज अगर मेरा साइन क्यूब रहता तो यहाँ पे पाई एक्स बाई ए, मैंने एक्चुअली इसको क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम के साथ इसको कंपेयर किया है। आप इसको एक बार साइन क्यूब थीटा के हिसाब से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख लीजिए, एन इक्वल्स टू क्या हो गया, 3, ठीक है। ये 3 कौन सा है, ये वाला टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं अगर एक्सपेंड करूंगी इसको, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, तो उसको आप कैसे निकालोगे, एन प्लस 1/2। एन हो गया कौन सा, ये जो मेरा साइन के ऊपर में जो पावर है। अगर साइन टू बाय 5 होता तो मेरा एन की वैल्यू होती क्या, 5। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 प्लस 1/2, ठीक है। तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। तो इसको मैंने एन डैश नाम दे दिया, ठीक है। अब मैंने इसको एक्चुअली साई के टर्म में ही एक्सपेंड कर दिया है। आप अगर चाहो तो ए वाला टर्म आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, अगर मैं सिर्फ साइन क्यूब का एक्सपेंशन करूं। बाकी मैंने एक्चुअली इसको पूरा को मैंने लेके मैंने एक्सपेंड किया, तो ए वाला टर्म यहाँ पे आ गया। बाकी नीचे आएगा 1/2 i इन टू द पावर -1, ठीक है। i का हमें पता है क्या, रूट ऑफ -1। फिर यहाँ पे आएगा 3c0 साइन 3πx/a माइनस 3c1 साइन πx/a। कैसे आया मैं बता देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो पहला वाला टर्म आएगा मेरा पॉजिटिव, उसके बाद वाला टर्म आएगा नेगेटिव। यहाँ पे अगर कोई टर्म होता, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 होते तो यहाँ पे फिर से क्या आता, पॉजिटिव। पर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2। तो एक प्लस आ गया और एक क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3c0 आया, यहाँ पे 3c1, मतलब देखिए यहाँ पे एन का जो वैल्यू है वो तो आएगा ही। अब यहाँ से 0 से आप स्टार्ट करोगे, 0 1, ठीक है। अगर मेरा थर्ड टर्म आता तो मैं उसको क्या लिखती, c2। ऊपर वाला टर्म तो कांस्टेंट ही रहता, जो एन रहता वही रहता, ठीक है। आपको शायद इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, जब मैं आपको साइन टू पावर 5 वाला बताऊंगी तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको एक बार साइन टू पावर 7 वाला भी करके दिखा दूंगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे अब आप सोचोगे यहाँ पे 3 क्यों आया। देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू आई 3, तो मेरा कंसेक्यूटिव जो ऑड नंबर्स हैं, हम लोग इसको करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो 3 के बाद में ऑड वैल्यू कौन सा आएगा, 1। तो पहले 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा, 1 है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें लिखना है। तो ये हो गया मेरा एक्सपेंशन, ठीक है। तो मैं साई की जो वैल्यू आती है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, एक मैं आपको पहले करके बताती हूँ साइन टू द पावर 5 थीटा, इसका एक्सपेंशन करके बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई कितनी, 5, क्लियर। एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5, ठीक है। अब एन डैश मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, एन प्लस 1/2। तो मेरी यहाँ पे 5 प्लस 1/2 दैट इज 6/2 दैट इज 3, मतलब मेरे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए कितने, 3, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंशन मैं कैसे करूंगी, साइन टू द पावर 5 थीटा दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरा आएगा 1/2 i, ठीक है। ऊपर में आएगा n माइनस ऑफ 1 और यहाँ पे आएगा 5, ये जो 5 है ना, ये वाला यहाँ पे c0, ठीक है। हमारा स्टार्ट होगा 0 से, तो साइन टू द पावर, अब देखिए यहाँ पे n है 5, 5 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इसके जो नेक्स्ट छोटा जो ऑड नंबर है वो हो गया 3 और इसका जो छोटा हो गया वो हो गया 1। मतलब आप समझ गए ना कि मतलब 5 अगर मैं ले रही हूँ तो 5 के बाद वाला जो ऑड नंबर आ रहा है मतलब नीचे की तरफ, तो 3 उसके बाद में 1, ठीक है। तो 5c0 साइन, पहले आ गया मेरा 5 थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया प्लस साइन, तो यहाँ पे आएगा माइनस कंसेक्यूटिव में,
अब आएगा क्या 5c1, यहाँ पे साइन के बाद में 5 थीटा के बाद में आएगा क्या 3 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा 5c2 और यहाँ पे आएगा साइन 1 थीटा का मतलब ही थीटा, ठीक है। अब हम लोग इसको और भी सॉल्व करेंगे आगे, तो मेरा क्या आएगा, तो मेरा आ गया यहाँ पे 2y, मेरा n की वैल्यू थी 5, 5 माइनस 4 दैट इज 5 माइनस 1 दैट इज 4, ठीक है। अब 5c0, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आई होप आपको पता होगा, तभी मैं एक बार बता देती हूँ 5। तो मैं आपको अब इसके अलग से वैल्यू बता देती हूँ, 5c0 इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है, और 5c1 इसको देखिए हम कैलकुलेट करेंगे, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू आ गया 5, ठीक है। और 5c2 इसको आ गया 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2, मतलब फॉर्मूला ऐसा है एक्चुअली, ठीक है। तब अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 5 into 4, 5 माइनस 2 मतलब 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आता, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, तो यहाँ पे 2 दैट इज 10, ठीक है। तो अब देखिए 5c0 1, तो यहाँ पे आ गया साइन 5 थीटा, माइनस 5c1 दैट इज 5 साइन 3 थीटा, प्लस 10 साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा साइन टू द पावर 5 थीटा का वैल्यू, और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 to the power 4, दैट इज 1/16 i² - 1, उसका स्क्वायर दैट इज पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/16 और ये वाला टर्म, ठीक है। अब साइन टू द पावर 7 थीटा अगर करोगे तो क्या चेंज आएगा आपका, n की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। मैं यहाँ पे छोटा सा कर देती हूँ, n की वैल्यू आ जाएगी 7, 7 + 1/2, तो इंडेस की वैल्यू आ जाएगी 4, तो यहाँ पे चार टर्म्स होंगे, तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे 7c0 आएगा, 7c1 आएगा, 7c2 आएगा और 7c3 आएगा, यहाँ पे 7 थीटा, 5 थीटा, 3 थीटा और थीटा आएगा, ठीक है। 7c0, 7c1, 7c2 और 7c3 आपको इस तरह कैलकुलेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा क्या 1/2i n-1, तो 7 - 1 दैट इज 6। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो इसको कैलकुलेट करने में साइन टू द 7 थीटा, तो आप प्लीज मुझे आप कमेंट में बता दीजिए, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ पे मुझे बताइए, मैं आपको सोल्यूशन करके दे दूंगे, ठीक है। अब इसको मेरा ये कहाँ पे यूज आएगा, है ना। अब आपके मन में तो क्वेश्चन आएगा कि मैंने ये ट्रिक तो समझ ली, पर ये मेरा काम कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये जैसे तो इसके रिलेटेड जो क्वांटम मैकेनिक्स रिलेटेड जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ, ठीक है, ताकि मैं 2 अलग वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो ये एक जनरल वीडियो रहेगा जो आई थिंक बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल होगा, और जो क्वांटम इसको जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, अच्छा सा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे उसमें हम वैल्यू निकालेंगे प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, और भी बहुत सारे कुछ, वो मैं इसके बाद वाले वीडियो में ही अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टडी हार्ड।